हेलो फ्रेंड्स आज मैं अपनी बजाज एवेंजर 2015 स्ट्रीट मॉडल है 220 इसके टायर को मैं चेंज करवाने आया ये स्टॉक uh, टायर्स है मेरे एमआरएफ के जो कंपनी के साथ आए थे ये ट्यूबलेस नहीं है ये टायर ट्यूब वाले हैं दो मुझे कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुआ एक्सेप्ट वन पंक्चर बट सी इंग द एज फैक्टर आठ साल हो चुके हैं टायर्स को दो किलोमीटर्स ट्वेंटी फोर थाउजेंड है देखने में ग्रिप वगैरह सब अच्छा है बट सीइंग द एज फैक्टर की टायर का जो ऑयल है वगैरह वो सब कम हो जाता है तो आई वॉन्टेड टू गो विद न्यू टायर्स सो आई दिस टाइम आई ऑप्टेड सी एट सेम साइज़ है खाली आगे वाले का ग्रप सेम है पीछे वाले का ग्रप थोड़ा अलग है क्योंकि वो एम आर एफ का है ये सी एट का है सो एंड द बेस्ट पार्ट ये ट्यूबलेस टायर है तो अगर कल को पंक्चर वगैरह भी होता है तो कुछ किलोमीटर में चला सकता हूँ और क्या मैं खुद रिपेयर भी कर सकता हूँ उसको और लॉन्ग राइड्स पे सो so, uh, ये आगे का ग्रिप है और नेक्स्ट आप जो देखोगे पीछे का ग्रिप है अच्छे रिव्यूज़ हैं इस टायर्स के सो so, uh, ये आप मेरा टायर दे सकते हैं सफ़ेद हो गया ग्रिप ठीक है इसका बट uh, आठ साल पुराना है तो इसमें ट्यूब है तो ये मैं रिप्लेस करवा रहा हूँ और uh, इसके ऊपर हम फिर वो नया वाला टायर लगाते हैं ये सी का है नेगोशिएशन करने के बाद में ही आस्क मी लाइक सेवेंटीन फिफ्टी और ट्वेंटी सिक्स फिफ्टी पीछे वाले का बट आई रिक्वेस्टेड एंड नगोशियटेड सो ही फाइनली विथ फिटिंग के साथ uh, दोनों मिला के उसने फोटी टू हंड्रेड का मुझे दिया विध बिल एंड इट कम्स विद एन अनकंडीशनल वारंटी सो लेट्स सी फिट कराया है मैं एक लॉन्ग राइड पर जा रहा हूँ और uh, जो प्रेशर रहता है ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी वन और नाइनटीन ट्वेंटी वन सो आई 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 एम गोइंग थ्रू दैट और लेट्स सी लॉन्ग राइड पे मेरी बाइक कैसी चलती है उसके बाद मैं आपको है में आपको रिव्यू देता हूँ क्या फर्क है एम आर एफ और सी एट में थैंक यू एंड आई एल कीप यू पोस्ट ऑन दिस बाय